जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। काउंटर इंटेलिजेंस की टीम कश्मीर यूनिट ने 10 जगहों पर छापा मारा और आतंकी संगठन के भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इन जगहों में श्रीनगर, गांधरबल, बांदीपुरा, कुलगांव, बडगांव, अनंतनाग और पुलवामा शामिल है। पुलिस ने दावा किया है कि 22 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के कई जिलों में तहरीक लवैक यानी TLM नाम के एक नए आतंकी समूह का खात्मा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी CI के विंग ने इस आतंकवाद विरोधी अभियान को अंजाम दिया। वही गांदरबल गगनगीर में हुए आतंकवादी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में 40 से अधिक संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमलावरों ने हमले की योजना बहुत सोच समझ कर बनाई थी और आतंकी नेटवर्क के सहयोग से वे अपने मंसूबों को अंजाम देने में सफल रहा। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एजेंटों ने भी जरूरी सबूत के लिए घटनास्थल की छानबीन की। सेना, CRPF और पुलिस की टुकड़ियां निर्माण क्षेत्र के आसपास की पहाड़ियों में छानबीन कर रही है जहां ये आतंकी घटना हुई, ताकि कश्मीर घाटी में गैर स्थानीय मजदूरों पर हुए सबसे बड़े हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ा जा सके। गांदरबल के गगनगीर इलाके में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड शेख सज्जाद बताए जा रहे हैं। शेख सज्जाद श्रीनगर के बिमना के रहने वाले हैं, लेकिन कई वर्षों से पाकिस्तान में सक्रिय हैं। 2019 के बाद शेख सज्जाद ने लश्कर तैयबा की मदद से TRF आतंकी संगठन की कमान संभाली है और सूत्रों से पता चल रहा है कि शेख सज्जाद ने ही एक लोकल गुट को एक्टिव करते हुए इस पूरे इलाके की पहले रीकी करवाई और उसके बाद ही कल देर शाम आतंकवादियों ने प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया और जिसकी वजह से 7 लोगों की जान चली गई है, जिसमें एक डॉक्टर शामिल है और बाहर के रहने वाले कुछ जो प्रवासी मजदूर है, 6 प्रवासी मजदूरों की हत्या की गई है। उसके बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने कॉर्न ऑफ किया। एक बड़ा जो तलाशी अभियान है वो इस समय भी लगातार इस पूरे इलाके में चल रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि CRPF के जवान जो है वो तैनात है यहाँ पर और इस पूरे इलाके पर कड़ी नजर रखी जा रही है और यहाँ से आगे किसी भी गाड़ी को जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। तो इस पूरे हमले के पीछे जो हाथ बताया जा रहा है वो लश्कर तैयबा आतंकी संगठन का बताया जा रहा है। लश्कर तैयबा से जुड़ी संगठन है TRF, जो 2019 से कश्मीर घाटी के अंदर सक्रिय है और इसके कमांडर है शेख सज्जाद, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज है और NIA ने भी उसे वांटेड घोषित किया है। आतंकी हमले के बाद 22 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गगनगीर गांदरबल का दौरा किया। मनोज सिन्हा ने पुलिस, नागरिक प्रशासन, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और उन्हें निर्देश दिया कि आतंकी घटनाओं को पूरी तरह से रोकने के लिए सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत किया जाना चाहिए। उपराज्यपाल ने परियोजना स्थलों के आसपास सख्त पहुंच नियंत्रण और नियमित गश्त की आवश्यकता पर भी जोर दिया है, ताकि विकास परियोजनाओं पर किसी तरह की रोक न लगे। उन्होंने सुरक्षा बलों और पुलिस को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से समन्वित आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। आतंकी घटना को लेकर उपराज्यपाल ने क्या बताया, ये सुनिए। जो अभी तक जांच में पता चला है कि 2 लोग मुंह छिपा करके और जो संभावित रूप से समझ में आया है कि वो दोनों FT थे, आए और उन एप्को नाम की एक कंपनी है जो जेडमोर टनल बना रही है, उसके मेस में घुसे और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की, जिसमें 7 लोगों की दुखद मौत हुई है, 4 लोग घायल हैं। भगवान की कृपा से वो चारों स्वस्थ हैं। एक की सर्जरी रात को ही हो गई थी, मैं सुबह अस्पताल गया था, स्किम्स उनको देख करके आया हूं। शवों को मुकम्मल उनके घरों तक पहुंचाने का प्रबंध प्रशासन कर रहा है। जम्मू में एक लड़का था जिसकी मौत हुई है, मैं अभी उसके घर से भी आया हूं, उसके पिता से, उसकी पत्नी से मिलकर के। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो कम है। कल जम्मू कश्मीर के DGP, एडिशनल DG, लॉ एंड ऑर्डर, IG कश्मीर, सारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए थे। DIG श्रीनगर घटना की जांच कर रहे हैं और मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश को भरोसा देना चाहता हूं कि जो भी गुनाहगार हैं उन्हें कठोरतम दंड सुरक्षा बल जरूर देंगे।
वहीं आम लोगों ने गगनगीर आतंकी हमले के खिलाफ अनंतनाग में कैंडल मार्च निकाला और निहत्थे प्रवासी मजदूरों और कर्मचारियों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के विधानसभा क्षेत्र गांदरबल में आतंकियों ने कायराना हमला किया था। इस हमले में एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की जान चली गई। मजदूरों और कर्मचारियों पर यह हमला तब हुआ जब वे सुरंग निर्माण के काम से लौट रहे थे। आतंकी पहले से ही घात लगाकर बैठे थे और उन्होंने कर्मचारियों के आते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे मजदूरों को भागने तक का मौका नहीं मिला। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।